इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र की पोस्ट कॉलोनी हाई लिंक सिटी में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दरअसल 30 और 31 जनवरी की दरमियानी रात को हाई लिंक सिटी में चार्टेड अकाउंटेंट के यहाँ नकाबपोश बदमाशों ने डकैती को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नगद लेकर रफू चक्कर हो गए थे। इस पूरी डकैती की साजिश CA निखिल चोपड़ा की माँ निर्मला ने भाई के लड़के पिंटू ने रची थी। टांडा निवासी पिंटू सहित 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और DIG मनीष कपूरिया ने बताया कि घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन 5 आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया है और आरोपियों से इंदौर सहित अन्य जिलों में हुई वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। एक सेम गैंग है, वो साथ ही आए थे और ये इस आवास में गए थे, वे दूसरे आवास में गए थे। बरामदगी में कुछ उनका जो मशूका है वो बरामद हुआ है, शेष की अभी तलाश चल रही है। इस इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो मोडस ऑपरेंडी था उससे हमारे ऑफिसर्स बहुत हद तक कन्विंस थे कि ये कहाँ के क्रिमिनल्स हो सकते हैं और वहीं जीरो इन इन्होंने किया था। उसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी इन्वॉल्व था, उसके डिटेल्स शेयर करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल जो जितना इंटेलिजेंस था उसके आधार पे इन्होंने जीरो इन किया। कुछ फुटेजेस के आधार पे, कुछ फोटोग्राफ्स के आधार पे वहाँ के जो लोकल थे उन्होंने भी हेल्प की इसमें। चूँकि इनाम घोषित था तो मोटिवेशन लेवल भी था और सेंसेशनल वारदात थी, उसका निकाला जाना एक चैलेंज था, इसमें सभी ने बहुत लग के काम किया है। और जो दीगर अभी फरार अपराधी हैं जिनका कि इन्होंने खुलासा किया है उनकी भी अब तलाश वार फुटिंग पर की जा रही है। ये एक टांडा गांव पड़ता है धार के पास का, तो वहाँ के आप बोलो तो कर ले। 30 और 31 जनवरी की दरमियानी रात को एरोड्रम क्षेत्र में CA हैं मिस्टर अजीत चोपड़ा, इनके घर में डकैती की वारदात हुई थी और नकदी और सोना चांदी के जेवरात बदमाश लेके गए थे। और ये सनसनीखेज वारदात थी, इंदौर पुलिस के ऑफिसर्स के लिए ये चैलेंज था। इसका बहुत ही अच्छा डिटेक्शन हमारे SP वेस्ट, एडिशनल SP क्राइम, एडिशनल SP जोन इन्होंने किया है और साथ में इनकी टीम के ऑफिसर्स ने, और 5 अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। 5ों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। अभी इस घटना के साथ जो चोपड़ा जी के घर के बगल में भी एक आवास था उसमें भी वारदात हुई थी और उस वारदात में करीब कुछ लोग निकलते हुए दिख रहे थे। तो ये पूछताछ के क्रम में जो अभी प्रारंभिक पूछताछ आरोपियों से हुई है उसमें उन्होंने उनके बारे में भी बताया है, वो अनुसंधान अभी उसमें चल रहा है और हमें विश्वास है कि उनको भी हम राउंड अप करेंगे। ये एक बड़ा गैंग है, 2 फोर व्हीलर इसमें इन्वॉल्व थे, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग देम। इनसे अन्य वारदातें जो इंदौर नगर में हुई हैं या दीगर ज़िलों में हुई हैं उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। मुझे इनके जो इंफॉर्मेशन इनसे ली है उसके आधार पर अन्य वारदातों का भी खुलासा किया जाएगा। सर दोनों अलग अलग गैंग, सर ट्रैफिक को लेकर किस तरह के आप प्लान तैयार किए, कुछ बदलाव देख रहे हैं लेकिन फिर भी और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे आप? देखिए ये एक प्रायोरिटी है आपकी, मेरी, सभी की, शहर के नागरिकों की, और इसमें सीरियस एफर्ट की ज़रूरत है। मतलब कोई पीस मिल का वो नहीं है, इसमें सीरियस एफर्ट करके और हाउ बेस्ट हम इसको सॉर्ट आउट करें वो सभी के इनपुट्स भी लगेंगे। आप लोग भी सब इसमें प्रबुद्ध हैं, आपको भी आइडियाज़ होंगे, मैं सबको कॉल करके एक बार आपसे आइडियाज़ भी शेयर करूँगा। मूल रूप से
इसमें जो एग्जिस्टिंग हमारा रोड नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम करना चाहेंगे। इंदौर नगर में करीब 24 लाख वाहन हैं और ये इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं। 24 लाख का भी फिगर लास्ट ईयर का है। अब इतनी बड़ी संख्या में जब वाहन आते हैं तो वो शाम के और सुबह का कुछ टाइम होता है जब रश आवर्स होते हैं तो वो सड़क पर आ जाते हैं और ना चाहते हुए भी जाम्स लगते हैं। मैनुअली जितना भी पॉसिबल होगा वो हम कर रहे हैं। हमने अभी कुछ चौराहे जो जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया है, वहाँ मैक्सिमम स्टाफ का डिप्लॉयमेंट रश आवर्स में करके उनका ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस भी करने पड़ेंगे, कुछ हमें मार्ग डाइवर्शन भी करने पड़ेंगे और एक ये भी उसमें अपेक्षा रहेगी कि यदि जहाँ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन की जहाँ 50 व्यक्ति 100 व्यक्ति काम करते हैं तो उनके लिए बस का या एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हो जाए, उतनी वाहन सड़क पर कम आएंगे। तो ये सारे के सारे प्रयास हैं इसमें। जो इरेगुलर पार्किंग्स हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन करेंगे। हमारी अपेक्षा ये है कि जो सड़कें हैं वो यातायात के लिए ही रहें, उस पर यदि कोई अतिक्रमण है तो उसको भी प्रयास करके मुक्त किया जाएगा। लेकिन जो भी प्रयास होगा ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए और जो शहर के नागरिकों की सुविधा के लिए वो हम करेंगे। वो बहुत एक सीरियस मैटर है, नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और उसके ऊपर इंटेलिजेंस गैदरिंग चल रही है। निकट भविष्य में उसमें और कार्रवाई हम करेंगे। एक और बिंदु जो मैं आपके माध्यम से सबको शेयर करना चाहता हूँ, एक शहर में CCTV इंस्टॉलेशन बहुत आवश्यक है। ये एक प्राइमरी सोर्स है हमारे सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया का। हैदराबाद शहर में करीब करीब 2.5 लाख CCTV कैमरे लगे हुए हैं। शहर की कोई गली ऊँचा अब मतलब CCTV से बाहर नहीं है और उसमें पब्लिक के भी हैं, प्राइवेट भी हैं, प्रतिष्ठानों के हैं और एक बड़ा सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैदराबाद पुलिस दे पाई है कि उनके बहुत सारे कैमरों की फीड वहाँ के कंट्रोल रूम में भी आती है। तो ये जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे अपेक्षा रहेगी कि वे CCTV अवश्य लगाएं और उसका एक कैमरा एटलीस्ट जो सामने निकलती हुई सड़क है उसके ऊपर ज़रूर आए। आपको याद होगा कि एक निर्भया कांड हुआ था और निर्भया कांड की इन्वेस्टिगेशन विदिन 48 आवर्स दिल्ली पुलिस ने उन अपराधियों को आइडेंटिफाई भी किया था और उनके खिलाफ फिर उनको अरेस्ट करके और शेष कार्रवाई भी की थी। उसमें भी मूल रूप से CCTV कैमरे का फुटेज क्रिटिकल था। तो मेरी अपेक्षा आपके माध्यम से यही है सभी लोगों से कि वे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो CCTV लगाएं और एक सिक्योरिटी का माहौल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।